Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourself children and at the same time study well and prepare well for your upcoming evaluation 3 tests also children. As the tests are exams are very near, study well. Prepare all the chapters thoroughly, prepare all the exercises, do not leave anything and watch the videos regularly, okay? So children, we are doing lesson number 8 and some part is still left. So today we will be continuing with lesson number 8 only. In this lesson we have done the comprehension exercises, we have done grammar exercises. We have done word building. Now today we will be doing the writing part. Okay, writing skills. Writing skill is to test your writing capability. कुछ भी language जब आप पढ़ते हो, when you learn to read it, you listen it, you learn how to read it, you learn how to speak a sentence. At the same time, then you must know how to write it also. फोर स्किल्स से चारों स्किल्स आपके डेवलप होने चाहिए. मेनी लैंग्वेज, लिसनिंग स्किल. सबसे पहले आप सुनना सीखते हो. फर्स्ट यू लिसन. व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, आप जब आपका जन्म भी होता है तो राइट फ्रॉम डे वन यू डू नॉट स्टार्ट स्पीकिंग. ठीक है, व्हेन यू ग्रो अप अ बिट, जब कुछ बच्चे कुछ थोड़े से बड़े होते हैं, व्हेन दे कैन अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम द डे वन, चिल्ड्रन कैन अंडरस्टैंड. उनकी इतना उनका ब्रेन होता है कि वो समझ सकते हैं. लाइक दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, ऑफकोर्स दे कैन नॉट स्पीक, बट दे एक्सप्रेस देमसेल्फ इन देयर ओन वे. भूख लगती है, कोई तकलीफ होती है, दे स्टार्ट क्राइंग. ठीक है, भूख लग रही है, खाना दे दिया, अभी भी भूख लग रही है, या कोई तकलीफ है, दवाई दे दी, स्टिल इट पर्सिस्ट, इट इज स्टिल देयर, दे कीप ऑन क्राइंग. दे हैव देयर ओन वे. सबसे पहले जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं उससे पहले दे लिसन, जब वो सुनते हैं देन ओनली दे लर्न. ठीक है, तो लिसनिंग स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है. देन स्पीकिंग, व्हेन यू लिसन देन यू स्पीक, यू स्टार्ट स्पीकिंग. पहले वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, धीरे 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 फिर बच्चों की बहुत सी अपनी वोकैबुलरी होती है, वो किसी वर्ड को कुछ और बोलते हैं, दैट इज देयर ओन वे ऑफ सेइंग इट. धीरे धीरे और स्पीकिंग स्किल और इम्प्रूव होती है. देन कम्स रीडिंग स्किल. जब सुनना सीखा, बोलना सीखा, जब आप बोलना सीखते हो देन यू कैन रीड, देन यू लर्न टू रीड. एंड रीडिंग के बाद लास्ट इज राइटिंग स्किल. सुनना सीख लिया, बोलना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया, नाउ इट इज टाइम टू राइट. सो यू कैन राइट ओनली व्हेन यू नो हाउ टू से इट. कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, देन ओनली यू नो हाउ टू राइट इट. सो टूडे वी विल बी डूइंग राइटिंग स्किल्स. ओके, सो इन दिस राइटिंग स्किल देयर इज अ स्टोरी with words given. Words are given, with the help of those words you have to complete the story. And this is a very common story, the hare and the tortoise. You all have definitely heard this story, sabne ye story suni hui hai. So it is a very common story. Okay, now before that, jaise maine bataya tha ki where do we use has, is, am, are, was and were. ठीक है, कहां पे हम इनको यूज करते हैं. नाउ देयर इज अ सर्टन रूल, मतलब ऐसा कुछ नहीं इसको आप अपनी मर्जी से नहीं यूज कर सकते हो. इसको जहां पे यूज होना है, अगर आई के साथ एम यूज होना है तो एम विल बी यूज विद आई ओनली फॉर प्रेजेंट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम जैसे ही, शी, इट है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो उनके साथ हम इज यूज करते हैं. ही इज, शी इज, इट इज फॉर प्रेजेंट टेंस. ठीक है, एंड प्रेजेंट इज दैट इज टूडे, मतलब आज का जो अभी का टाइम है. एंड यस्टरडे दैट इज पास्ट, जो ऑलरेडी बीत चुका है. तो विद फॉर प्रेजेंट इज विद ही, शी एंड इट वी यूज इज. फॉर आई वी यूज एम. एम इज यूज ओनली विद आई. एम को हम कहीं और नहीं यूज करते हैं, एम को हम सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं. एंड विद वी, दे एंड यू वी यूज आर. वी आर, they are, you are. Okay, with we, you and they we use are for present tense. For past tense, this
साथ हमने आर यूज किया, उनके साथ हम वर यूज करते हैं फॉर प्लूरल. वी वर, यू वर, दे वर. ओके, जिसके साथ हमने इज यूज किया उसके साथ हम वॉज यूज करते हैं. ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज. एंड विद आई ऑल्सो पास्ट टेंस वी यूज वॉज. आई के साथ हम प्रेजेंट टेंस में एम यूज करते हैं. फॉर पास्ट टेंस वी यूज वॉज. आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, ही इज गोइंग, ही वॉज गोइंग, शी इज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, इट इज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, they are dancing, they were dancing, you are dancing, you were dancing. Okay, we were singing, we are singing. So for present tense singular se third person jo singular pronoun hai uske sath hum is use karte hain. I ke sath am use karte hain. Am is used only with I for present tense. I ke sath use karte hain, that does not mean ki for past tense also, only for present tense. Am is used with I in present tense. ओके, सिर्फ एम जो है वो आई के साथ यूज होता है प्रेजेंट टेंस के लिए. पास्ट टेंस के लिए आई के साथ भी वर्ड यूज करते हैं. ओके, सो रिमेंबर दिस रूल, इसमें कोई चेंज नहीं है, इट ऑलवेज रिमेंस लाइक दिस ओनली. ठीक है, इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज इन दिस. ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ लेट अस स्टार्ट द राइटिंग स्किल. सो दिस इज lesson number 8, we are still continuing lesson number 8 and name of the lesson is Jingo and Tingo. So children, turn to page number 86 in your English course book. Main course book page number is 86. Okay, writing skill. W R I T I N G, writing. S A I double L, writing skill. And the question is complete. C O M P L E T E, complete the following. Complete the following story. Using the words given in the box. Okay? The words are, the name of the story is The Hare and the Tortoise. My name nahi likh rahi hu because it will again take some place on the board. The name of the story is The Hare and the Tortoise. Okay, and the words are fast, proud, one, race, hare, sleep, rest. Agreed. T O R T O I S E, tortoise. Upset. Started. S T A R T E D, started. And B E H I N D, behind. Okay, these are the words, and with the help of these words you have to complete the story which is given here. Okay, now let us start the story. Once there was a dash and a first I will write the story. जितनी स्टोरी यहां पे आप आती है, देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फिलिंग इट. द हेयर, नाउ चिल्ड्रन सी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ हेयर, एच ए आर ई, हेयर माने खरगोश. ठीक है, हेयर हम बोलते हैं, बाल को भी बोलते हैं. एच ए आई आर इज ऑल्सो हेयर,
and H-A-R-E is also hair. Okay? So, pronunciation dono ka same hai, H-A-R-E hair and H-A-I-R hair, but dono ki spelling mein difference hai, the spelling is different and the meaning is also different. Theek hai? H-A-R-E hair and H-A-I-R hair. Here, we are using H-A-R-E hair, kharkosh wala hair. This is sun hai, S-U-N sun and S-O-N sun. S-U-N sun is suraj and S-O-N sun is beta. Both the pronunciation are same, but the spelling is different and the meaning is different. Okay? The hair was very, I hope it is visible. The hair was very dash off his fast speed. He asked the tortoise to take part in a dash. The T-O-R-T-O-I-S-E, the tortoise. Children, right now I'm writing this story. After writing the complete story, then we will fill it up. Okay? The tortoise dash the race the hare ran very dash the tortoise was left dash the hare decided to dash for a while. First I will write the story and then I will explain the meanings also. For a while the tortoise did not take a dash when the hare woke up he saw that the tortoise, T-O-R-T-O-I-S-E, saw that the tortoise had dashed the race. He felt very dashed. Now, before we complete this story, I'm sure you all know this story. Sabko maloom hai hare and tortoise wali ki hare and tortoise, and we all know that tortoise is very slow. Bahut dheere chalta hai because it is a reptile. It cannot run. Okay, run nahi kar sakta, crawl karta hai. And hare jo khargosh hai, wo to aise bahut tez daudta hai. Wo hops, wo to apna lambe lambe jump lekar ke wo bhag jata hai. And tortoise is a reptile. Bahut dheere chalta hai. वो अपनी पेस पे ही चलता है. सो हेयर वॉज अवेयर कि टॉर्टस तो बहुत धीरे चलते हैं, तो उसने हेयर को अपने ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट फास्ट, बहुत इस बात का बहुत घमंड था कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ. तो उसने एक बार हेयर के साथ
उसने एक उसको साथ एक शर्त रखी कि हम लोग रेस लगाते हैं, तो टॉटर दे भी ठीक है। तो रेस शुरू हुई, दौड़ना दोनों ने शुरू किया और टॉटर्स तो अपनी स्पीड से चल रहा था बट हेयर रन वेरी फास्ट। उसने बहुत आगे जाके देखा एंड ही लुक बैक, ही कुड नॉट सी टॉटर्स एनीवेयर। उसको लगा कि टॉटर्स तो अभी कहीं दिख ही नहीं रहे, बहुत पीछे होगा। तो उसने सोचा कि जब तक आएगा टॉटर्स थोड़ा आगे, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, आई विल टेक सम रेस्ट, उसका फिर अपनी स्पीड से दौड़ूंगा। एंड ही स्लेप्ट फॉर सम टाइम, एक पेड़ के नीचे आराम से वो सो गया ठंडी ठंडी अपना शेड में। सोने के बाद क्या हुआ कि वो बहुत कंफर्टेबल से था, वो सो गया, उसको नींद आ गई। सोते तो फिर टाइम का समझ भी नहीं आता एंड उसके पास अलार्म क्लॉक तो था नहीं। एंड आफ्टर ए वाइल मैंने वो कब उसे देखा, कह रहे उसको लगा कह रहे तो रेस चल रही है। तो ही थॉट कि टॉटर से अभी पीछे आ रहा होगा, वो भागा फिर से, उसको लगा पहुंच जाएगा। एंड जब तक वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता तब तक देखा कि टॉटर्स तो ऑलरेडी फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गया था। एंड टॉटर्स वन द रेस, हेयर वॉज वेरी अपसेट एंड देन ही फेल्ट कि मतलब किसी की भी किसी क्वालिटी का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए। टॉटर्स स्लो चलता दैट इज इट्स क्वालिटी, ठीक है, बट वी शुड नॉट मेक फन ऑफ इट। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का मतलब ये नहीं कि आप हर रेस में धीरे 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 भागते रहोगे और जीत जाओगे। नो, हियर दीज आर टू डिफरेंट एनिमल्स। टॉटर्स धीरे धीरे चलता है, हेयर बहुत तेज भागता है। सो हेयर वॉज वेरी प्राउड, रुक गया, टॉटर्स अपनी स्पीड से काम करता था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी रेस होगी, अब जैसे जब रेस होती तो उसमें तो बहुत तेज भागना ही पड़ता है, डिपेंड्स कैसी रेस है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग हमें भागना पड़ता है। अगर कम डिस्टेंस वाली रेस होगी तो अगर हमने शुरू से तेज नहीं भागा तो नहीं जीत पाएंगे। बट इसका मतलब ये है कि अगर परसिस्टेंटली आप किसी काम को मतलब अगर कोई काम स्टार्ट किया है तो अगर वो पूरी तरह बीच में कहीं पर फेल्योर भी आ रहा है, कहीं अगर नहीं भी हो पा रहा है, तो डोंट गिव अप, कीप ऑन डूइंग, करते रहो उसको आप, एक में एक डेफिनेटली यू विल सक्सीड, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस का मतलब है, स्टडी मतलब स्थिर, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी का मतलब है कि आप अगर अपनी एक स्पीड से अगर अपना काम करते रहोगे तो मे बी हो सकता है शुरू में उतना सक्सेस ना मिले, बट वन डे डेफिनेटली यू विल सक्सीड, ओके। So now let us complete this story now. Once there was a hare and a tortoise. T-O-R-T-O-I-S-E. एक बार एक खरगोश और एक कछुआ थे। The hare was, अभी हमने पासिव वर्ब यूज कर लिया, hare यूज कर लिया and tortoise. ऐसे अगर वर्ड्स होते हैं एंड इनको जब कंप्लीट यूज करते हैं जिस वर्ड को हमने यूज कर लिया वी विल कीप ऑन कटिंग देम, उससे हमें ये पता रहता है कि अच्छा ये वर्ड इसको हमने यूज कर लिया है, नाउ वी आर लेफ्ट विद दीज वर्ड्स। तो फिर धीरे धीरे बिकम्स इजी, ओके। अब हमें पता होता है कि दीज वर्ड्स आर यूज, नाउ वी आर नॉट सपोज टू यूज देम। द हेयर वॉज वेरी प्राउड, हेयर को खरगोश को अपनी स्पीड पे बहुत ज्यादा घमंड था, प्राउड मीन्स घमंड, ठीक है। हेयर वॉज वेरी प्राउड, P-R-O-U-D, proud of his fast speed, मतलब उसको अपनी तेज स्पीड पे बहुत ज्यादा घमंड था। He asked the tortoise to take part in a, उसने टॉर्टस को किसमें पार्ट लेने के लिए कहा, टू टेक पार्ट इन अ रेस, टू टेक पार्ट इन अ रेस, ओके। रेस द टॉर्टस, क्या हुआ जब उसने हेयर ने उसको बोला रेस में पार्ट लेने के लिए, तो टॉर्टस अग्री, वो राजी हो गया। तो द टॉर्टस अग्री, A-G-R-E-E-D, अग्री। द रेस क्या हुआ फिर, टॉर्टस रेडी हो गया, फिर क्या हुआ, द रेस शुरू हो गई, द रेस स्टार्टेड, S-T-A-R-T-E-D, द रेस स्टार्टेड, स्टार्टेड, ओके। द रेस स्टार्टेड, यहाँ पे देखो द टॉर्टस अग्री, द रेस स्टार्टेड मतलब उसने हेयर ने टॉर्टस से रेस में पार्ट लेने के लिए कहा एंड टॉर्टस रेडी हो गया, पास्ट टेंस में, दैट इज व्हाई अग्री। फिर द रेस स्टार्टेड, रेस शुरू हुई, ठीक है। द हेयर रन वेरी फास्ट, हेयर कैसे दौड़ा, बहुत तेजी से दौड़ा। तो द हेयर रन वेरी फास्ट, F-A-S-T, फास्ट, वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत तेजी से हेयर दौड़ा।
The tortoise was left. जब हेयर तो बहुत तेजी से शुरू से दौड़ा, टॉर्टर्स बहुत पीछे छूट गया क्योंकि वो तो धीरे धीरे अपना क्रॉल करके आ रहा था. सो द टॉर्टर्स वॉज लेफ्ट बिहाइंड. बिहाइंड मतलब पीछे, ठीक है. द टॉर्टर्स वॉज लेफ्ट बिहाइंड. द हेयर डिसाइडेड टू फॉर अ वाइल. जब उसने देखा हेयर ने कि टॉर्टर्स तो बहुत पीछे छूट गया है, तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, सो लेता हूँ. सो द हेयर decided to rest. Where is rest? The hare decided to rest. ठीक है? Rest for a while. For a while का मतलब है थोड़ी देर के लिए. For a while means थोड़ी देर के लिए. The hare decided to rest for a while. The tortoise did not take a dash. Hare ने क्या decide किया? उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ. For a while मतलब थोड़ी देर. Hare did not take a rest. Tortoise तो नहीं, उसने तो rest नहीं लिया, वो नहीं सोया, ठीक है. The tortoise did not take a make sentences or frame sentences. Make or frame, both are same. दोनों का मतलब है कि बनाना, ओके?
लेसन, मैं लेसन के ही वर्ड्स यूज करती हूँ, ठीक है. और उन वर्ड्स से वी विल ट्राई टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेस, नॉट द सेम सेंटेंसेस. ऑफ कोर्स अगर एग्जाम में इफ यू विश यू कैन यूज द सेंटेंस ऑफ द बुक ऑल्सो. लाइक इज फर्स्ट वर्ड आई एम टेकिंग इज रिवर बैंक, आर आई वी आर ई ए एन टी, रिवर बैंक. नाउ इन द लेसन रिवर बैंक वर्ड कहाँ यूज हुआ है कि एवरी इवनिंग टू फ्रेंड्स मीट एट द रिवर बैंक, ठीक है. नाउ यू कैन यूज द सेम सेंटेंस ऑल्सो, बट वेन वी आर मेकिंग सेंटेंस वी विल ट्राई टू मेक अ डिफरेंट सेंटेंस, ठीक है. यू कैन से आई प्ले एट द रिवर बैंक विद माई फ्रेंड, आई गो टू द रिवर बैंक एवरी डे, ठीक है. आप ये कुछ भी लिख सकते हो, इट शुड बी करेक्ट. आई गो टू द रिवर बैंक एवरी इवनिंग, मी एंड माई फ्रेंड प्ले एट द रिवर बैंक एवरी इवनिंग, आई प्ले विद माई फ्रेंड एट द रिवर बैंक एवरी इवनिंग, देर आर मेनी ट्रीज एट द रिवर बैंक. ट्राई टू मेक अ स्मॉल सेंटेंस जिससे कि मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो, ठीक है. मैं जो सेंटेंसेस लिखवाती हूँ, यू कैन राइट द सेम सेंटेंस और यू कैन राइट समथिंग एल्स ऑल्सो. ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखवा है एग्जैक्टली सेम सेंटेंस आपको लिखना है, आप अपने से भी सेंटेंस लिख सकते हो, बट इट शुड बी करेक्ट, ओके. सो रिवर बैंक का मैं सेंटेंस बना रही हूं, देयर आर मेनी ट्रीज एट द रिवर बैंक, ठीक है. रिवर बैंक आई होप सबको याद है, द मीनिंग ऑफ रिवर बैंक इज नदी का किनारा, सबको आई एम श्योर सबको याद है, द मीनिंग इसका मीनिंग याद है. देर आर मेनी ट्रीज एट द रिवर बैंक, ओके. सेकेंड वर्ड में ले रही हूं इज हेल्प. हेल्प का मतलब क्या होता है? हेल्प मीन्स सहायता, किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना. सो जैसे लाइक जिंगो सेड ना कि आई मस्ट हेल्प माई फ्रेंड, सो हम लिख सकते हैं कि वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स, वी शुड हेल्प नीडी पीपल, जो नीडी है मतलब जिनको किसी हेल्प की जरूरत है उनकी हमें हेल्प करनी चाहिए. वी मस्ट हेल्प आवर फ्रेंड्स, हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए. मैं लिख रही हूं वी मस्ट हेल्प आवर फ्रेंड्स, ठीक है. हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प जरूर करनी चाहिए. मस्ट हम यूज करते हैं मतलब जरूर, ठीक है. एक तो वी शुड मतलब करनी चाहिए, नहीं भी कर सकते, मस्ट मैंने लिखा बिकॉज वी मस्ट हेल्प आवर फ्रेंड्स, हमें अपने फ्रेंड्स की हेल्प जरूर करनी चाहिए, ओके. थर्ड वर्ड आई विल टेक इज हार्ड. हार्ड मींस टफ, ठीक है. जैसे लेसन में ना कि इस शेल इज वेरी हार्ड, द लायन वॉज ट्राइंग टू ब्रेक टिंगो'स शेल विच वॉज वेरी हार्ड. हार्ड मींस कड़ा, तो उसका शेल बहुत कड़ा था. Since I am taking a sentence which is not there in the book, we can say coconut जो नारियल होता है उसका बाहर का जो छिलका होता है, shell छिलका जो होता है बहुत कड़ा होता है. So we can say coconut, C-O-C-O-N-U-T, coconut shell is very hard. मतलब coconut का जो बाहर का छिलका होता है वो बहुत कड़ा होता है, okay? Angrily, fourth word is A-N-G-R-I-L-Y. Angrily मतलब गुस्से से, ठीक है. The man shouted angrily. उस आदमी ने बहुत जोर से गुस्से से चिल्लाया, ठीक है. My father shouted angrily. मैं कुछ गलत काम किया, पापा ने बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाया, ठीक है. But here like we are talking about animals, तो मैं लिख रही हूँ the lion roared angrily. The R O A R E D roar A N G R I L Y angrily. लाइन बहुत गुस्से में चिल्लाया ना. जब जिंगो जकॉल एंड जिंगो टर्टल दोनों भाग गए, उसने जैसे टिंगो को पानी में डाला वो स्विम करके चला गया और जिंगो जकॉल ही रहा ना वे, तो लाइन रोड एंग्रिली बहुत गुस्से में घुराया उसने. लाइन रोड एंग्रिली. एंड वन मोर वर्ड इज देयर दैट इज क्लेवर, ठीक है. क्लेवर मतलब चालाक. इज अ वेरी क्लेवर बॉय. राम इज अ वेरी क्लेवर बॉय, ठीक है. रीता इज अ वेरी क्लेवर बॉय, चालाक है.
यहाँ पे अगेन एनिमल्स के बारे में बात करें तो आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, फॉक्स इज अ वेरी क्लेवर एनिमल. क्लेवर एनिमल, क्लेवर मतलब चालाक. ओके, यू कैन ऑल्सो राइट राम इज अ वेरी क्लेवर बॉय, रमन इज अ वेरी क्लेवर बॉय. ठीक है, क्लेवर नॉर्मली हम थोड़े से नेगेटिव सेंस में लेते हैं, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के लिए हम क्लेवर नहीं बोलते हैं. क्लेवर, कनिंग, दीज आर यूज फॉर स्लाइटली नेगेटिव क्वालिटी, मतलब बहुत अच्छे सेंस में हम नहीं बात करते. अगर कहते हैं किसी के लिए कि बहुत क्लेवर है तो मतलब थोड़े गलत तरीके से क्लेवर है, मतलब बदमाशी करने वाला. ठीक है, सो फ्रेम सेंटेंसेज ऑल्सो कम्स अंडर राइटिंग स्किल. आपको एग्जाम में फ्रेम सेंटेंसेज भी आएगा. अगर नहीं किया है आपने तो यू कैन कंप्लीट इट नाउ, यू कैन सी द वीडियो एंड रिवाइज इट. क्लास में तो मैं रिविजन करवाई रही हूँ. सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन, दिस लेसन इज ओवर नॉट टुडे. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विद लेसन नंबर 9, दैट इज चिल्ड्रंस डे. ओके चिल्ड्रन, दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे.